गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह का टाइम है, ये करीबन 7:30 बज रहे हैं और मैं फटाफट नहा ली थी। नहा क्योंकि सुबह सुबह ना, जब तक मैं नहाऊँ ना तब तक मेरे बॉडी में मैं एनर्जी फील नहीं करती। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपना आयरन का सप्लीमेंट ले रही हूँ, आयरन की टैबलेट्स ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को एक्चुअली लीवर में आयरन स्टोर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और आपको पता ही है, मैंने बताया है कि अगर आयरन की वैल्यू 15 से कम हो जाए या 15 हो जाए तो उसे ना आयरन रिलेटेड एनीमिया डिफिशेंसी हो जाती है, जिसमें ना आगे आयरन के ना इंजेक्शंस तक लेने पड़ जाते हैं। अभी तो मैं सप्लीमेंट्स ही ले रही हूँ, तो मेरी वैल्यू 17.9 थी, तो अब डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा कम है, इसको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी अभी काफ़ी अभी ट्रीटमेंट मेरा इस चीज़ का चलेगा। बाबू जागे, उठ जो ना, होगी सुबह। ये देख लीजिए, रसोई तो हमने डन कर दी है। एक्चुअली पापा जी आएंगे ना, उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ, पूरा घर बढ़िया सा तैयार करके। तो आप रसोई में देख सकते हो, देखिए अभी पोछा अच्छे वाला नहीं लगा है, पोछा लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ किचन का हाल। हम ना पता क्या करेंगे, किचन में ना 2 स्लैब गिरवाएंगे, एक बार मेरा ये सारा काम निपट जाए। कुछ हाथ में जब पैसे होंगे तब ये काम होगा। तो एक स्लैब तो इधर ऊपर और एक ऊपर, लकड़ी का काम नहीं करवाऊंगी, स्लैब ही गिरवाऊंगी ऐसे करके ऐसे। फिर इससे क्या होगा ना, नीचे जो भी सामान रखा है सारा ऊपर रखा जाएगा। और मुझे काफ़ी खुशी मिली, मैं ये यूज़ करूंगी, ये यूज़ में लगाऊंगी। यहाँ पर देखते हैं पापा जी आएंगे ना, उनको दिखाएंगे कि पापा जी लो कर दिया आपका घर पूरा अच्छे से बढ़िया तैयार। तो रसोई तो ओके, रिपोर्ट हो गई ना पूरा सेट। हम फटाफट लग के ये कमरा सेट कर देते हैं। देखिए अभी मैं रात को सोई थी ना यहाँ पर विहान के साथ, उससे पहले हम ये देखिए सेब खाएंगे। एक्चुअली मम्मा ना विहान के लिए काट के लाई थी कि सुबह सुबह खा लेगा, बट उसने खाया नहीं, तो हम निपटा देते हैं। वैसे भी ना फ्रूट ना काला पड़ जाता है, उसको खा ही लेना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट में हमारा खाना है, देखिए इसमें है वही सेम घिया का रायता है, और ये सब्जी है हमारी। मम्मा ये किस चीज़ की सब्जी है? ये बैंगन तो नहीं लग रहा। अच्छा ये हरे बैंगन है, तो ये हरे बैंगन है। मैं टाइम देख लेती हूँ, मुझे आयरन की टैबलेट लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी दूध दही नहीं लेना होता। आई थिंक हो गया होगा 1 घंटा, तो खा लेते हैं हम तो। पोछा रहने दो मम्मी, मैं लगा दूंगी, आप बस वो कर लो, पेटी के अंदर कपड़े रख लो। मुझे स्कूबी पे तरस तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं अंदर रख नहीं पाती भी स्कूबी को, और ये ना मतलब बहुत भौंकता है कि मेरे को अंदर कर लो, जब सारे फैमिली मेंबर अंदर बैठे हों घर में और ये बाहर दरवाज़ा खटखटाता रहता है कि अंदर कर लो अंदर कर लो। बट आप समझिए, मैं वैसे इसको अंदर कर लेती हूँ, अगर विहान दूसरे घर में होता है ना तब तो मैं इसको अंदर कर लेती हूँ, बैठा रहता है 2-2, 3-3 घंटे। लेकिन जब विहान मेरे पास होता है ना, मैं अंदर नहीं कर सकती। क्योंकि आज की बात बताती हूँ, सुबह की मैं कामों में लगी हुई थी, जाके एकदम से ये क्या करता है, विहान को खेल लगता है। ये क्या करेगा, स्कूबी के पास जाके उसके कान मरोड़ेगा, एकदम से उसको बुरी तरीके से खींचता है, क्योंकि उसके लिए तो खेल है, खिलौना हो गया। और फिर ये भी भाई देखो, जानवर एक लिमिट तक ही सहन करेगा ना, अगर कोई ऐसे पूछ पूछ मरोड़े वो काट जाए उस विहान को, मैं तो बिल्कुल ऐसी हो जाऊंगी अगर काट गया तो। क्योंकि पता है कितने इंजेक्शन लगते हैं, फिर छोटा सा बच्चा है मेरा, वैसे ही अभी दवाइयाँ खाने लग रहा है, तो इसीलिए मैं कहा थोड़ा सा कठोर होके फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, देखो स्कूबी को अभी मतलब वैसे दिन में जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाती है तब मैं अंदर भी कर लेती हूँ, तो यहाँ पर छांव वाला जो एरिया है ना, जैसे वॉशिंग मशीन की तरफ यहाँ बैठ जाता है। और ये देखिए फर्श कितना गंदा हो रखा था, मतलब दिख भी नहीं रहा था, फर्श की तो एक्चुअल डिजाइन तक नहीं दिख रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। बट अब देखिए आप, पहले से थोड़ा साफ हुआ, मैंने कल शाम को भी किया था और आज भी क्लीन कर दिया थोड़ा पानी से। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, टीवी पे सॉन्ग चलाती हूँ ना तो ये नाचता है। अपनी साइकिल ये ले आया यहाँ पर, मम्मी ले आए, मम्मी बोलते यहाँ पे चला लेगा, वहाँ पे 3-3 साइकिल इकट्ठी। देखिए मेरी मम्मी की बुक है, मम्मी हमने ग्रह विज्ञान होम साइंस थी ना आपके पास, ये देखो मेरी मम्मी की बीएड की है। रुकिए मैं आपको आराम से बैठ के दिखाती हूँ, मेरी मम्मी ने आज तक एक याद के तौर पे संभाल के रखी हुई है। इसमें ना वो भी मिलेंगे, मम्मी की राइटिंग भी दिखाऊंगी मैं जब पढ़ते थे ना। ये देखो ये मेरी मम्मी की हैंड राइटिंग है, आप देख सकते हो कैसी है, बताइएगा।
ये मेरी मम्मी ने, मतलब इसमें ना क्या होता था उस टाइम, सब्जियां वगैरह देखो कि लौकी होती है, ये सब कैसे उगाई जाती है, तभी तो मेरी मम्मी खुद सब्जियां बो लेते हैं। आपको बताया हुआ है ना, मेरी मम्मी सब्जियां तभी बोते हैं क्योंकि मम्मी ने सीखा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। देखो आप, ये पहले आज से कितने साल पुरानी होगी मम्मी ये, 40 साल, 38-35 साल। हाँ, मैं पेट में थी, मैं 30 की हूँ, इसका मतलब आज से 28-29 साल पहले। तो देखो आज से 28-29 साल पुरानी बुक है ये मत सोचो कि कल की है। हाँ, ये देखो 28-29 साल पुरानी ये मतलब किताब है मम्मा की, और मम्मी कभी भी इसको देने नहीं देते, अपने पास संभाल के रखते हैं याद के तौर पे, बाकी तो सब दे दिया। ये देखो, देख लो, मेरी मम्मी भी कभी ऐसे पढ़ाई करते थे। बड़ी अच्छी बुक है मम्मी, बढ़िया। माँ आप भी बच्चे बन जाते हो, मम्मी ये तोड़ेगा फिर रोएगा, देखना मेरी मम्मी की आदत। अब यहाँ पर देखिए, मम्मा अपने काम पे लग गए हैं, ये जितने भी फर्श पे कपड़े दिख रहे हैं, देखो पेटी में कितने सारे कपड़े आ गए, आपको याद ही होगा कितने सारे कपड़े थे यहाँ पे जो अब मम्मी जचा रहे हैं। ये गृह शोभा अंदर क्यों रख रहे हो मम्मा, ये तो नहीं रद्दी। तो अब YouTube पे जैसे वीडियो है, कोई रेसिपी हो, कुछ हो, सीख के पढ़ के इसमें से बना लो, है ना, देख के। स्कूबी है ये जिद्दी, नहीं मैंने वो धूप में खड़ा था मम्मी, मैंने कहा साइड में छांव में बैठ जाएगा, एक्चुअली ना ये अंदर आने की बहुत जिद करता है, मैं हान की वजह से नहीं कर पाती हूँ। ये देखो ना बाहर है, अब ये क्या करता है ना, पूंछ पकड़ता है स्कूबी की, बहुत डर लगता है फिर कहीं गलती से काट जाए। ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको मैं बाहर ही रख दूंगी, इसमें ना पुट्टी वगैरह जैसे पेंट नहीं हुआ था जब हमारी इधर घर में, तो मंगवाया था कुछ पुट्टी वगैरह के लिए कुछ सामान, बट इसका अभी ज़रूरत नहीं है, और घर के अंदर वैसे ही स्पेस ले रहा है। और ये देखो सीढ़ियों के नीचे ना मैं इस तरीके का सामान रख रही हूँ स्टोरेज के लिए, क्योंकि जब हम कभी फ्यूचर में ये यूज़ आ जाएगा सामान, ख़राब नहीं है। अब देखो ना कल को दोबारा पेंट कहीं ना कहीं करवाना पड़ा तो ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इधर सेफली हम रख देंगे इसको यहाँ। मम्मा देखो क्या लाया अभी, हान मेरा बाबू। अभी इस घर में मंदिर भी सेट करना है, उसके लिए भी सोचना है कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। और मम्मी अभी क्या कर रही हैं, ये देखिए यहाँ पे, एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पीछे तो थोड़ा सा गर्मी हो जाती है और खड़े खड़े मम्मी से काम नहीं होता, थक जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। तो मम्मी क्या कर रहे हैं, ये जो बैग है यहाँ पीछे लेके फिर बैठ के आराम से फिर चेक कर रहे हैं कि कौन से बैग में क्या सामान है। हाँ दे दे ना 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 ये देखो जी, मेरी मम्मी का खजाना, कितना सारा पैसा मेरी मम्मी संभाल के डब्बे में बंद करके रखती है। कितने हैं, 700-800 रुपए? पर्स इतने रखे हैं, पर्स में रख लिया करो मम्मा, पर्स में नहीं रखती मम्मा पैसा। मम्मा की आदत है पता है, चुन्नी होती है ना, चुन्नी के बांध देती हैं। मम्मा मेरा घर का मेकओवर हो जाएगा आज की डेट में, पूरा हो जाएगा, करना है आज मुझे। और कमरे के आसार देख के लग तो नहीं रहा मम्मा। मम्मी मेरे को दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं 15 मिनट में सारा सामान सेट कर दूँ। मम्मी करने नहीं दे रहे, मम्मी बोल रहे एक एक चीज को, बैग को खोलेंगे आराम से, उसका निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व होगा कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है वो सोचेंगे, उसके बाद सामान को जचाएंगे लगाएंगे, और जब स्टोर रूम तैयार हो जाएगा फिर मैं पूरे घर की फिर से सफाई करूंगी। तो ये देखिए सामान बिखरा हुआ है और हम इंतजार, चलिए जाके एक मिनट देख भी आते हैं कि हमारी मम्मा कर क्या रही है, सामान बिछ रहा है। चलो अच्छी खबर ये है कि फर्श पर से सामान उठ गया है, ये देखिए फर्श पे कितना सामान था, अभी फर्श पे सामान नजर नहीं आ रहा है, यहाँ भी सामान कुछ कुछ जचा है, और ये पेटी देखिए इस तरीके से हुई है।
तो अभी लेकिन पीछे सामान फैल गया जो कि मैंने पहले क्लीन कर दिया था। मम्मी ने सामान थोड़ा थोड़ा खोला है, अब इसमें जो चीजें काम की होंगी उनको रखा जाए, तो काम की नहीं होंगी बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मम्मी सामान ढूंढ रही हैं। ये मम्मा के सूट हैं पहनने के, जो कि मम्मी पहनती नहीं है, सिर्फ रखने रखने के लिए हैं। वीडियो में हमेशा मम्मी यही सूट पहनेंगी जो पहना हुआ है, ये सलवार और इसके साथ वाला कमीज पहनती हैं। तो अच्छी बात ये है कि आसार दिख रहे हैं, आज घर सेट हो जाएगा लग रहा है। मेरे ख्याल से 2 घंटे और लगेंगे हमें, क्योंकि जो जो काम पेंडिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस वीडियो में। देखिए ये जो हिस्सा है हमारा ट्रंक, ये सेट है, इसके ऊपर भी सेट है, ये भी सेट है, लगभग यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लो जी मैंने फ्लैशलाइट भी ऑन कर दी है। ये कुछ टाइलें रखी हुई हैं, इनको हम आराम से निकाल के बाहर रख देंगे। रखी भी हुई हैं तो ये हमें कुछ कष्ट नहीं दे रही हैं टाइलें, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मा का पेटी ये देखिए यहाँ आराम से आ गई है स्टोर रूम में, और मम्मा जचा रहे हैं। यहाँ कुछ गत्ते, मम्मी ये गत्ते तो मैंने बाहर फेंक दिए थे, अब वापस ले आए। तो अच्छा ये रह गए, ये मैं साथ वाले वहाँ घर में फेंक दूँ। अच्छा अच्छा इसमें मम्मी कह रहे हैं कि ये जो सिलाई मशीन है ना, ये इस गत्ते में डब्बे में आ जाएंगी। तो अभी हमारा ये देख लीजिए इस तरीके से सामान कपड़ा सारा जच जाएगा इसके अंदर, और ये सामान भी सारा सेट मैं करूँगी। ये देखिए इधर जो सामान है ये सारा सामान भी अंदर सेट हो जाएगा, स्टोर रूम में तय कर करके लगाएंगे अभी हम। उसके बाद ये जगह आपको बिल्कुल खाली मिलेगी, पीछे रूम है हमारा पूरा बढ़िया जचा हुआ मिलेगा अगली वीडियो तक। अगली वीडियो तक तो प्रॉमिस कर ही सकती हूँ, इस वीडियो में तो हुआ ही नहीं है काम पूरा। तो ये घर भी आपको कमरा अच्छा साफ सुथरा और सजा हुआ मिलेगा, और रसोई भी अच्छी मिलेगी, ये कमरा भी जचा हुआ मिलेगा, प्रॉमिस है मेरी साइड से, माफ़ कर दीजिएगा। इस वीडियो में प्रॉमिस किया था बट वो प्रॉमिस मैं आपके साथ पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि काम हुआ ही नहीं पूरा, और जब तक काम पूरा नहीं होगा फाइनल मेकओवर लुक हमारे इस घर की नहीं आएगी, घर इसी तरीके से बिखरा रहेगा। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहोगे कि पागल बनाती है, कब तक घर खिंडा रहेगा, इसका घर कभी साफ नहीं दिखेगा, हमेशा फैला हुआ दिखेगा, ये कैसा घर रखती है, ये गंदा घर रखती है, ये घर को कचड़ा बना के रखती है, कबाड़ खाना बना कर रखती है। मम्मी ये सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास वीडियो के नीचे। कोई बात नहीं, नहीं मैं करती हूँ मम्मा। चलिए जी हो जाएगा, होते होते होगा, नेक्स्ट वीडियो तक लेकर आती हूँ। चलिए जी अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, दिखा दीजिएगा सबको कि निधि कैसा घर रखती है अपना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।